ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत ही पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने जाता था किसी न किसी कारण से उसकी मौत हो ही जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार उमेश नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने के लिए चला जाता है। घर में आने के एक दो दिन के बाद उमेश को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगता है। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क होने लग गया। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आता है और कहने लगता है कि वॉशरूम का पानी अपने आप ही बंद हो गया है, और बाद में उसने वहां पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को भी देखा है। इतना कहते कहते दीपक अचानक से चुप हो जाता है, मानो उसने कुछ देख लिया हो। तभी वह उमेश की ओर उंगली करता है और कहता है कि पापा, आपके पीछे वही औरत खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगता है। उमेश दीपक को अपनी गोद में उठाकर तेजी से वक्त पर घर से बाहर निकल रहा होता है। दीपक बहुत सहम गया होता है, तो उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए कुत्ता खरीद लिया और साथ ही लेकर दोनों घर आ गए। उसको लगता था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु उसे क्या पता था कि वह अपने बच्चे के लिए मौत का बुलावा लेकर आ रहा है। एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो अचानक से उनके घर की लाइट चली जाती है। उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास तो सभी लोगों के घरों की बिजली थी, तो आखिरकार इनके घर की लाइट क्यों चली गई? उसे लगता है कि ज़रूर घर के पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ हो गई हो, तो किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा लेने में समझदारी है। इतने में उमेश को दीपक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह डर जाता है और वह तुरंत एक टॉर्च उठाकर उसकी ओर भागता है। दीपक को दोबारा से घर में वही औरत दिखाई देती है, तो वह सहम कर उमेश के पास आता है और कहता है कि हमें जल्दी से बिजली ठीक करवा लेनी चाहिए, और उमेश और दीपक दोनों मान जाते हैं। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ इधर उधर भौंक रहा होता है, तो वे दोनों डर जाते हैं। उमेश को आभास होता है कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश को देखकर दीपक के होश तो उड़ते ही हैं, साथ साथ वह डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। इसे देखकर उमेश भी घबरा जाता है कि कैसे वह अपने बच्चे को संभालेगा। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से भागने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलते वक्त अचानक उमेश का पैर दरवाजे के साथ बनी हुई लकड़ी की सीढ़ियों में फंस जाता है, और बहुत ही कोशिश करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। दीपक अपने पापा के पैर को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, किंतु काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। कोई उपाय ना होने पर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के कमरे में चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे में खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते ले जाता है और दोनों ही एक कमरे में बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है और उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज़ भी बंद हो जाती है। दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, तो उमेश घबरा जाता है कि आखिरकार दीपक और उसके घर का कुत्ता कहाँ चला गया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, किंतु उस वक्त वह कुछ भी नहीं कर पाता है। वहाँ लगभग 15 मिनट कोशिश करने के बाद उमेश का पाँव बाहर निकल आता है और वह पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ उसी घर के अंदर उस कमरे में जाता है जहाँ पर वह दीपक और कुत्ता होते हैं, किंतु चारों तरफ वह पूरी तरह से तलाश करता है, तो उसे दीपक और कुत्ता कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। बहुत ढूंढने पर जब वह सफल नहीं होता है, तो वह सोचता है कि शायद मुझे थोड़ी देर यहीं पर इंतज़ार कर लेना चाहिए। उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस थोड़ी देर बाद खो देता है। कुछ ही दिनों बाद उमेश बिजली ठीक करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुला लेता है, लेकिन घर में दाखिल होने के लिए वह इलेक्ट्रिशियन तैयार नहीं होता है। उमेश उससे बहुत मिन्नत करता है, क्योंकि उसे घर के अंदर डर लगता है, क्योंकि घर के अंदर केवल और केवल अंधेरा था और उसका बच्चा और उसके घर का कुत्ता भी लापता था।
तभी उमेश घबराया हुआ इलेक्ट्रिशियन को बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, किंतु घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही लौट जाता है। उमेश के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर के अंदर जैसे ही वह प्रवेश करने लगा था तो उसे 3 लोगों का भूत दिखाई पड़ गया था। जब उमेश पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसको एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। इलेक्ट्रिशियन के पास सुनकर उमेश बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने यह जो घर अपने बच्चे के लिए खुशियों के लिए खरीदा था उसी की मौत का कारण बन चुका था। यहाँ पर उमेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि शायद वही उसकी मौत का कारण बन चुका है। उमेश को लगता है कि उसे भी यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ रहकर दीपक की याद आती रहेगी और हो सकता है जो हादसा उसके बेटे के साथ और उसके घर के कुत्ते के साथ हुआ है उसके साथ भी हो सकता है। किंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये हादसा क्यों हुआ। क्या वह औरत उसके साथ बदला लेना चाहती थी, किंतु वह तो उस औरत को जानता ही नहीं था। उसे लगता था कि शायद उसको यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि उसके बच्चे की याद यहाँ पर बसी हुई है, किंतु उसे ये भी लग रहा था कि यदि वह यहाँ पर रहेगा तो हो सकता है उसकी भी मौत शीघ्र ही हो जाए। उसे लगता है कि यहाँ से चले जाने में ही सबसे समझदारी है। किंतु एक रात जब वह सोचता है कि अगले दिन चला जाएगा तो उसके साथ ही वैसे हादसे शुरू हो जाते हैं। वह औरत उसे भी दिखाई देती है, उसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद अभी उसकी मौत आ गई है, यदि उसने घर तुरंत के तुरंत खाली नहीं किया तो उसकी मौत आज आई मानो। तभी वह उल्टे पांव पूरे दरवाजे के बाहर निकल जाता है और आसपास के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताता है कि यह घर हॉन्टेड है, कोई भी इस घर में मत जाना, इस घर में मेरे बच्चे की मौत हो चुकी है। उसे एक औरत दिखाई पड़ी थी, तब वह उसके साथ हुए सारे हादसों को आसपास के लोगों को बता देता है। घर के बाकी लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है और वहाँ पर हुए उस औरत के साथ हुए हादसे को बता देता है कि यहाँ पर एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी, तब से यह घर हॉन्टेड है और कोई भी यहाँ पर आना पसंद नहीं करता है। ना जाने तुम दोनों ने कहाँ से यह ज़मीन खरीद कर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया, पूरे गांव में से कोई भी यहाँ पर आना पसंद नहीं करता है। तभी उमेश को ऐसा लगता है कि आज इसकी जान बच गई है, तब वह भगवान को शुक्रिया अदा करता है और वह गांव वालों के साथ कहीं और चला जाता है और वह किसी अपने मित्र के यहाँ पर कुछ समय रहने के बाद दूसरे गांव में चला जाता है और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाता है। तो दोस्तों, हॉन्टेड हाउस की कैसी कहानी आपको लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको भी इस तरह की दिलचस्प कहानियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज डलती रहती हैं। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।